أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नबी पर इस बात में कोई हर्ज नहीं जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर फरमाई। अल्लाह का दस्तूर चला आ रहा है उनमें जो पहले गुजर चुके, और अल्लाह का हर काम मुकर्रर की हुई तकदीर है। वो जो अल्लाह के पैगामात पहुँचाते हैं और इससे डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं करते, और अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने वाला। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के ख़त्म करने वाले हैं, और अल्लाह सब कुछ जानता है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करो। वही अल्लाह है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हैं ताकि वह तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ निकाले और वह मुसलमानों पर मेहरबान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, सुबहानल्लाह। कारी मोहम्मद कासिम साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम इलाही की खूबसूरत आयात मुबारका की तलावत फरमाई और इंतहाई ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ इन आयात मुबारका का तर्जुमा भी किया है। लाहौर न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन जागो लाहौर रमज़ान स्पेशल के साथ जनाब आपकी मेज़बान मुनीबा आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा और माह रमज़ान अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ इस वक्त जारी और सारी है। रोज़े का मकसद इंसान के अंदर सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल पैदा करना है, और अगर रोज़ा रख कर इंसान के अंदर ये सिफात पैदा ना हो तो ये रोज़ा रखना ना बल्कि महज भूखा रहना होता है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं कि उनको अपने रोज़े से भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं होता है, और बहुत से रात में क़याम करने वाले ऐसे भी हैं कि उनको अपने क़याम से जागने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अक्सर लोगों का जब पेट खाली होने लगता है तो उनका पारा जो है वो चढ़ने लग जाता है, मतलब गुस्सा ज़्यादा उन्हें आना शुरू हो जाता है, और दोपहर 12 बजे के बाद ये जो पारा चढ़ना ज़्यादा शुरू होता है, और शाम होते होते जो ये पारे की बुलंदी है ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक पहुंच जाती है। और रमज़ान मुबारक की मुबारक शाम को अक्सर लोग गुस्से से आग बगोला हुए हमें नज़र आते हैं। तो रमज़ान मुबारक में गुस्से की ज़्यादती की वजह से जहाँ एक तरफ सड़कों पर हमें ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू तशद्दुद में भी खातर खा इजाफा होता नजर आ रहा है। अक्सर रोज़ादार गुस्से की हालत में सड़कों पर, बाजारों में और घरों में गालिम गलोच करते हैं, झगड़ा फसाद करते भी पाए जाते हैं। तो रोज़े की हालत में हमने गुस्सा कैसे काबू में रखना है और किस तरह क्या कर सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़िक्रा फैज़ हैं, माहिर नफ्सियात हैं। ज़िक्रा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़िक्रा, रमज़ान कैसा गुजरा आपका? हाँ, बहुत अच्छा अच्छा गुजरा है। ज़िक्रा, जैसे हम रमज़ान की बात कर रहे हैं और रमज़ान हमें सिखाता है सब्र तहम्मुल करना, बर्दाश्त करना, लेकिन रमज़ान में हम बहुत से लोगों को भी देखते हैं कि उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी कि गुस्सा आता क्यों है, हमें ये पहले बताएं। मुझे लगता है सबसे पहले उन्होंने अपना एक माइंड सेट किया होता है, अच्छा कि जी रोज़ा है, हाँ, हमें भूख लग रही है, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो बस हमें गुस्सा आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है। हालांकि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, अगर आप अपना माइंड सेट है, हम अपने माइंड को कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। और वो ये ज्यादा बोलते हैं कि हमने रोजा रखा हुआ है, हमें इसलिए गुस्सा आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमने कुछ खाया नहीं है, 2 बजे के बाद हमें रोजा लगना शुरू हो गया है, जो मेरा वो कहते हैं ना मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा जो एक आप कह रहे हाइपर एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, दूर हो जाओ मुझसे, कोई बात ना करे, हाँ, exactly, अकेला छोड़ दो मुझे, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आपने अपना माइंड सेट है जिसको आपने सेट करना है, और उसके बाद आप उसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम क्यों कहते हैं जी पहले 10 रोजों के बाद अब हमें लग रहा है जैसे हमें कुछ नहीं फील हो रहा, exactly, तो वो हमने हाँ। अपना माइंड सेट कर लिया कि 10 रोजे गुजर गए हैं, अब हमारी बॉडी जो है वो यूज टू हो चुकी है, हाँ। तो ये हम लोग खुद ही अपने ब्रेन को, अपने माइंड को जिस तरफ सेट करते हैं वो उस तरफ हो जाता है। और ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग तो जब इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, समहाउ वो मारना शुरू कर देते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल मारते हैं, डांटते हैं, अब्यूज करते हैं घर में। और जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना ज्यादा लाउड बोलते हैं कि बच्चे डरते हैं कि बाबा से रोजे से पहले कोई बात नहीं करनी, मामा से हमने कोई बात नहीं करनी, अगर हमने की तो इसका मतलब है डांट पड़ेगी। तो ये ऐसे कोई रीज़न नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों ने अपने आप को सेट किया हुआ है। और उसके बाद ये कह लेना कि रोज़े का हम फ़ायदा भी उठाते हैं, हम रमज़ान का फ़ायदा नेगेटिव वे में उठा रहे होते हैं कि हमने सिर्फ सोना, मतलब ये हमारे अपने ही माइंड की गेम होती है, अपने ही माइंड की गेम है। और हमने एक सेट किया होता है ना कि रमज़ान में हमने सारा दिन सोना है और अफ्तारी के बाद हमने जागना है, और अफ्तारी के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं और हम लोग सहरी करते हैं, और उसके बाद हम लोग सारा दिन सोते हैं। तो ये हम लोगों ने उसके बाद हम जब जितना ज़्यादा सोते हैं ना, हमारा जो माइंड है वो उतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, वो उतना ज़्यादा आप कहते हैं ना सुस्त, जिसमें हम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हमारा माइंड अपने एक रूटीन से हट के चलता है, हमारी बॉडी हमारी एक जो एक रूटीन चल रही होती है रोज़मर्रा की उसके साथ सेट है, जब वो चेंज होती है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली अपसेट होता है। जब अपसेट होता है तो फिर हमारे जब इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, अच्छा, तो उसकी वजह से भी हम लोगों में, अब बात करें तो पेरेंट्स के अंदर या जो जॉबियंस होते हैं उनके अंदर जो है वो हाइपर एक्टिविटी, एग्जॉस्ट होते हैं, और वो कहते हैं दिल नहीं करा काम करने का, बस वाइंड अप करें, हाँ, और हम लोग चले जाएं किसी तरह। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी रूटीन में जब चेंज होती है रमज़ान में, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट क्या आ रहा है जी, इम्पैक्ट ये आ रहा है क्योंकि सारी रात जाग रहे हैं, सहरी करने के बाद सो रहे हैं और सुबह फिर उठा नहीं जा रहा है। तो उस वजह से फिर वो बहुत ज्यादा इशूज आते हैं। तो फिर इस इशू को हमने हल कैसे करना है जिक्रा, हमें ये बताएं कि हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें गुस्सा आ रहा है रोजे की हालत में या वैसे भी हमें आ रहा है तो हम उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपकी जो रूटीन है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारी रूटीन बिल्कुल ठीक है। रूटीन फिक्स करें आप, जितनी भी आपकी हेक्टिक रूटीन है हमने 8 घंटे की नींद तो पूरी करनी है, ठीक है। अगर आप सहरी के बाद सो रहे हैं और सुबह 8 बजे उठ रहे हैं या 9 बजे उठ रहे हैं तो आप ये देखेंगे गैप कितना है, ठीक है, आपकी वो नींद पूरी नहीं हो रही। तब सबसे पहले तो आप अपनी एक रूटीन सेट करें, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये एक बड़ा नेचुरल फैक्टर, अगर आप देखेंगे अगर हम किसी अपने से हाई लेवल के साथ बात कर रहे हैं तो हमारा जो लहजा है, हमारी जो टोन है वो हमेशा आपके लो रहे क्योंकि हमें पता है कि हमने उनके साथ ऐसे बात नहीं करें। और जो हमसे थोड़े से लो, आप कह लें कि मिडिल क्लास में है, तो हमारी एकदम जरा से बात होगी हमारी टोन हाई हो जाएगी, क्योंकि वो हम लोगों ने एक चीज़ इन्वायरमेंट के थ्रू लर्न की हुई है ना कि जी अगर ये चीज़ें इन पे हम कुछ भी कहें तो वो हमारे ऊपर कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहना क्योंकि वो हमसे लो हैं। और अगर हमारे से हाई लेवल के हैं तो जी हम उनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनकी अथॉरिटी हमसे बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ हम क्यों कहते हैं कि जी हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, तो हम उनको एक वे बताते हैं, एक रास्ता बताते हैं। ये सिर्फ माइंड सेट की बात है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप कंट्रोल करें। और समहाउ ऐसा होता है कि जो नेक्स्ट पर्सन बात कर रहा है वो गलत होती है, अच्छा। लेकिन उसमें यह है कि आपने उसमें भी पॉजिटिविटी शो करवानी है, काम रहें, इजी रहें, उनकी प्रॉपर बात सुने और सुनने के बाद बड़े आराम के साथ आप उनकी बात को पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों जो उनकी आपके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिस्कस करें। उसके बाद जो आपको ठीक लग रहा है आप वो करें। आप जितना हाइपर होंगे नेक्स्ट पर्सन भी आपको उस चीज़ का रिएक्ट करें। आप पॉजिटिव में हर चीज़ में, मुझे लगता है कि मैं सबको ये कहती हूँ कि आपने पॉजिटिविटी फाइंड आउट, पॉजिटिव बात हर इंसान के अंदर है, हर चीज़ के अंदर है। एग्जैक्टली वो सिर्फ आपकी नज़र होनी चाहिए कि आपने किस तरह देखना है। लेकिन अब बहुत सी स्टडीज़ जिक्रा ये भी कहती है कि जो ड्यूरेशन होती है ना गुस्से की, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड की होती है और इसमें आपने खुद पे अपना काबू पाना होता है। तो यही बड़े मुश्किल मरहले होते हैं, मतलब 10 से 15 सेकेंड, मिनट भी नहीं, सेकेंड की बात कर रहे हैं हम। इसलिए कहते हैं खामोश रहें। हाँ, खामोशी सबसे बेहतरीन हल है। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, अच्छा, आपने किसी को इग्नोर करना है तो आप खामोश हो जाए। आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होगी। तो जब आपको गुस्सा आ रहा होता है कि आप टॉपिक चेंज कर लें, ठीक, या आप खुद खामोश हो जाएंगे, सबसे बेस्ट। मतलब कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हो सकते हैं अगर हमें इस तरह का पता चल रहा है कि हमें गुस्सा आता है किसी चीज पे, तो उससे बचने के लिए हमें क्या डिपेंड करता है कि कुछ पर्सन का या वेरी करता है, अच्छा, कि उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ठीक है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो जो एक चीज का हमें फाइंड आउट हमने किया है कि आपको एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, तो उनको जिस चीज से होता है हम अवॉइड करते हैं कि हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर एक पर्सन है उसको, एक पर्सन को देख के या कोई रेड कलर देख के या ब्लू कलर देख के या कोई एनवायरनमेंट देख के या म्यूजिक या साउंड्स देख के उनको डिप्रेशन होना शुरू होता है। अच्छा, ठीक है। जो बहुत ज्यादा क्राउडी एरिया में जाते हैं तब भी उनको ऐसा फील होता है कि बहुत सफोकेशन हो रही है, मेरी सांस बंद हो रही है, बस मुझे कुछ हो जाएगा, ठीक है। या कुछ लोगों को होता है कि जब मैं कहीं बाहर खाना खाने जाऊंगी, जैसे लेट सपोज अफ्तारी है, तो मुझे कोई देख रहा है, तो ये उनके माइंड का एक माइंड सेट है। तो हमने उनको सिर्फ रीडायरेक्ट करना है, अच्छा। आप उनको रीडायरेक्ट करें, आप उनको रीडायरेक्ट करते रहें, उसके बाद उनके साथ कुछ डिस्कस करें, टॉपिक चेंज कर दें, फौरन से उनके जो डायरेक्शन है ना, उनके डायरेक्शन को रीडायरेक्ट करें और फौरन से ही विदिन, जैसे आपने कहा ना 5 से 10 सेकंड का गुस्सा है, तो 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर ही माइंड चेंज हो जाता है। और जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आया है, आप खड़े हुए तो आप बैठ जाएं, बैठे हुए तो आप लेट जाएं, जी आप वो कलमा पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है, आप ये चीज कर देंगे। वही चीज है रीडायरेक्ट करने को। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक देखें तो हम कहते हैं आप चुप हो जाए, आप पानी पीना शुरू करें, ठीक है, आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े तो आप खुद ही कूल। ये भी एक माइंड सेट है ना, देखिए कलाम में बहुत बरकत है, लेकिन वो 2 सेकंड का जो गैप आया है, ठीक है, तो वो क्या चीज़ है? वो यही चीज़ है कि वो जो गैप आ रहा है उसमें आपका माइंड रीडायरेक्ट हो रहा है, आप अपने माइंड को सेट कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप जिस तरह बैठे हो, आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप उठ के 1 मिनट के लिए वॉक करने के लिए चले जाए, आप थोड़ी देर के लिए सांस ले लें, ठीक है, आप थोड़ी सांस, जैसे हम योगा करते हैं, आप 1 मिनट के लिए सांस लेंगे, फौरन ही आप फील करेंगे कि मैं फ्रेश हूँ। आप यहाँ उस पर्सन को कहें कि आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दें और आप वॉक करके आए और वही पर्सन आपके सामने बैठा और आपका मूड बिल्कुल और आपका मूड दोबारा से फ्रेश हो जाएगा। ये तो हमने जिक्र थोड़ी सी बात की है कि बड़ों का रवैया इस तरह का हो चुका है कि उनमें बर्दाश्त बहुत कम हो चुकी है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बच्चे भी, उनमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है और हर घर में बच्चे होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, गुस्सा तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उनके अंदर। उसकी क्या वजह है? क्योंकि हम बच्चों को नेगेटिवली बहुत ज़्यादा टेंशन है। हम इतना सिर्फ बच्चों को नहीं, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी देखें, अगर हम नॉर्मल बच्चों को भी देखें, अगर हम स्पेशल बच्चों को भी देखें, तो हम नेगेटिव अटेंशन उनको इतनी ज़्यादा देते हैं और हम लोगों ने उनका, आप कह लें कि इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट करते हैं कि हम कंपैरिजन इतना ज़्यादा करते हैं कि बच्चों में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं। अच्छा, उसमें पेरेंट्स का ये आप रोल कह लें कि होता है कि पेरेंट्स उनको इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उनकी तरफ लेके जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताते कि ठीक क्या और गलत क्या है। ठीक है, अगर बच्चे ने अटेंशन लेने के लिए कह दिया है, कोई चीज़ थ्रो कर दी है, या बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, या बच्चे ने कुछ ऐसा बिहेवियर शो करवाया और पेरेंट्स ने फ़ौरन से अटेंशन दिया, तो वो बिहेवियर उसने लर्न कर लिया। अब वो कहीं बाहर अफ्तार, जैसे अब रमज़ान है तो बाहर अफ्तारी पे गए हैं, कहीं गैदरिंग में गए हैं, खाना खाने गए हैं, तो बच्चे ने वहाँ पे भी यही बिहेवियर शो कर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़ों को देखते हैं। अगर हमारे घर में भी वही इन्वायरमेंट है, घर में कोई लाउड बात कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, या किसी ने किसी को मार दिया, तो वही ऑटोमेटिकली चीज़ आपकी कन्वर्ट होगी बच्चों, और वो भी यही बिहेवियर जो है वो पिक करेंगे। और ऐसा होता है, हम लोगों ने बहुत सिचुएशन में देखा है कि अगर बच्चा है वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, अच्छा। तो अगर हम उनके बैकग्राउंड की तरफ, हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो वो कहते हैं जी मेरे बाबा मेरी मामा को डांटते थे, मेरे बाबा मेरी मामा को डांटते थे, या जो मेरी मामा है उनकी अपनी मदर से एक इंटरेक्शन नहीं था। ठीक है, तो वो जब हम फैमिली पूरा जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं ओके, बच्चों का जो एक आप कह लेंगे ना साइकोलॉजिकली वो चीज़ जो ब्रेन डैमेज होता है वो कहाँ पे आके इफेक्ट होता है कि उनके घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो इंडिविजुअल सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं, जब उनको वो एनवायरनमेंट कोई ब्रेक करता है फिर वो बहुत हाइपर होता है। लेकिन ये जिक्र, ये चीज़ कब से होना शुरू हो जाती है, कौन सी एज से? अर्ली एज से बच्चे, हमें लग रहा होता है कि 3 साल का बच्चा भी कोई चीज़ पिक नहीं कर, लेकिन वो पिक कर रहा है। अच्छा। वो अपने एनवायरनमेंट में देख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वो कार्टून देख रहा है, वो टीवी के साथ उसका इंटरेक्शन है, लेकिन आप पास बैठ के क्या कर रही हैं उसको नहीं पता चल रहा, तो ये हमारी गलत फहमी है। वो हर चीज़ देख रहा है। 6 साल तक, 5 से 6 साल तक बच्चे के अंदर वो चीज़ें फिक्स होना शुरू हो जाती है। अच्छा। बच्चा इतना मेच्योर हो चुका होता है, 5 साल का बच्चा आपको हर चीज़ बताता है, 6 साल का बच्चा आपको हर चीज़ बताता है, बिल्कुल ऐसे। तो जो उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट है, जो उसकी ग्रोथ है, वो उस टाइम तक हो चुकी है। तो जो उसके बिहेवियर्स हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो बच्चा क्या सोच रहा है, इन फ्यूचर उसने क्या करना है, वो स्टक हो चुका। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वो चीज़ें ना करे तो सबसे पहले आपको खुद पे ध्यान देना होगा, खुद की काउंसलिंग करनी होगी। ठीक है जी, जिक्रा फैज़ माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी। जिक्रा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वो चाहे फिर घर के बड़े हों या फिर बच्चे हों, उनमें बढ़ता जा रहा है, तो किस तरह आपने उसको टैकल करना है, हैंडल किस तरह करना है, उस पर बात की हमने। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा राहे हक, जिसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से दरपेश मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं, और आलिम इस्लाम के जियद उलमा कराम हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला ने ना इंसान पर बहुत एहसानात फरमाए हैं, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, फिर अपने अम्बिया कराम के ज़रिए इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका भी बताया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद, फुरकान हमीद के ज़रिए अम्बिया की आमद और उन पर आसमानी किताबों के नजूल का सिलसिला भी बंद कर दिया गया। तो अल्लाह ताला ने जहाँ कुरान पाक में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मुहैया किया हमें, वहाँ अपने पसंदीदा और नापसंदीदा की निशानियाँ भी तफसील से बयान किए। तो अल्लाह तबारक ताला के पसंदीदा और नापसंदीदा लोग कौन होते हैं, हमें आज बताएंगे प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज अहमद अवान साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा इस बयान के हवाले से। आज हम एक ऐसे उन्वान पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह करेंगे जिसका ताल्लुक हमारी अमली ज़िंदगी से है, सोशल लाइफ से है, और उस उन्वान का ताल्लुक हमारी अमली ज़िंदगी से इस तरह से है कि हम इस बात का कुरान और सुन्नत की रोशनी में जायज़ा लेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किन लोगों को अपना नापसंदीदा करार दिया है, यानी वो कौन लोग हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ नापसंदीदा हैं, अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की निगाह में वो इस लायक नहीं हैं कि वो अल्लाह ताला के महबूब करार पाएँ, पसंदीदा करार पाएँ। यकीनी बात है इंसानों के अपने आमाल इंसानों को इस सतह पर पहुंचा देते हैं कि वो अल्लाह ताला की निगाह करम से गिर जाते हैं। इंसानी मुआशरे में कुछ लोग अपने आमाल और शख्सी किरदार के बायस अल्लाह ताला को पसंद हैं, अल्लाह ताला उनसे प्यार करते हैं, और कुछ नापसंद हैं, गोया उनके किरदार और आमाल से अल्लाह ताला को नफ़रत है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस बात को हम सब के जहन में रासिख रहना चाहिए और ये बात हमारे जहनों में हमेशा मौजूद है और मौजूद रहनी चाहिए कि मुसलमानों के यहाँ मोहब्बतों का सबसे बड़ा मरकज़ अल्लाह ताला की ज़ात आली है, अल्लाह ताला की ज़ात करीमा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 165 में इरशाद बारी ताला है, वमिन अन्नास मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोगों ने अपने यहाँ ऐसे माबूद बना रखे हैं, वो उनसे इस तरह से मोहब्बत करते हैं जिस तरह से अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वो उन्हें ऐसा महबूब समझते हैं जिस तरह के अल्लाह ताला की ज़ात आली को महबूब समझना चाहिए। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन ईमान वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपने अल्लाह के साथ, अपने किब्रिया के साथ, अपने खालिक और मालिक के साथ, अपने कादिर मुतलक के साथ मोहब्बत करने वाले। वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज़्यादा अपने अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए कि हकीकतन और बिला वास्ता मोहब्बत अल्लाह ताला की अज़मत शान का तकाजा है। ये अल्लाह ताला के किबरिया होने, उसके मालिक होने, उसके खालिक होने और उसके कादिर मुतलक होने का ये तकाजा है कि हम सब उससे मोहब्बत करने वाले हों। अल्लाह ताला की ज़ात आली के बाद फिर इस कायनात में महबूब तरीन हस्ती सरवर कायनात, सैयद कायनात, रहमतल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की ज़ात करीमा ईमान वालों के हाँ उनकी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ है, और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर के मुसलमान नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की ज़ात आली के साथ इस कदर वालहाना अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं कि अपनी जानें उनकी ज़ात पर फ़िदा करना इसको सआदत समझते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने इस हवाले से इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक ईमानदार कहलाने का हकदार नहीं है जब तक कि वो मेरी ज़ात के साथ अपने अपने आप से, अपने वालिदैन से और पूरी कायनात के इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला ना हो। हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और सारे इंसानों से ज़्यादा महबूब ना ठहर जाऊँ, ना बन जाऊँ। और वाक़तन अल्लाह ताला का मुसलमानों पर यह करम और फजल है कि मुसलमान नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की ज़ात आली के साथ इसी तरह की अक़ीदत और मोहब्बत आज गए गुजरे दौर में भी उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। ये मोहब्बतें इंसान की तरफ से हैं और दर्जा बदर्जा सुलहाए उम्मत, औलियाए किराम, उलमाए उम्मत, इसी तरह फिर औलाद और अहलो आयाल और क़राबतदारों और दूसरे इंसानों या अल्लाह की मखलूक़ात तक फैली हुई है। वालिदैन के साथ भी मोहब्बत है, औलाद के साथ भी मोहब्बत है, अहलुल्लाह और अल्लाह वालों के साथ भी मोहब्बत है। ये सारी मोहब्बतें हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी हैं और वो बड़े महरूमुल किस्मत इंसान हैं जो ऐसी आदात इख्तियार करते हैं कि जो अल्लाह ताला के हाँ से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ से नफ़रत का बायस होने के बायस अल्लाह ताला की मोहब्बत और शफ़क़त और प्यार से उनको महरूम कर देती। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नापसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर ऐसे लोगों का ज़िक्र फरमाया और यकीनी बात है ये ज़िक्र इसलिए है कि हम लोग अपने आप को उस सतह पर लाने से बचाएं कि जो अल्लाह ताला के यहाँ हमारे लिए नफ़रत और अल्लाह ताला की मोहब्बत से हमें महरूम करने वाली। सूरह बकरा की आयत नंबर 190 में इरशाद बारी ताला है, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। इस इरशाद गिरामी का ताल्लुक मुसलमानों की रियासत के निज़ाम दिफा से है और ये बात याद रहनी चाहिए कि इस आयत में दरअसल निज़ाम रियासत में दिफा की जिम्मेदारी सरअंजाम देने वाले इदारों को एक ख़ास हिदायत दी जा रही। दिफाए रियासत का निज़ाम जिन लोगों के सुपुर्द किया गया है उनको इस आयत में एक ख़ास हिदायत दी जा रही है और फरमाया कातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, जो लोग सिर्फ इस वजह से तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं कि तुम अल्लाह की हिदायत के मुताबिक निज़ाम ज़िंदगी की इस्लाह करना चाहते हो और इस इस्लाही निज़ाम की, इस इस्लाही काम की मुज़ाहमत में जबर, जुल्म और ताकत का इस्तेमाल तुम्हारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ तुम भी ताकत और क़ुव्वत इस्तेमाल करो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, और क़िताल करो तुम अल्लाह की राह में उनके साथ जो तुम्हारे साथ क़िताल कर रहे हैं, तुम पर जंग मुसल्लत कर रहे हैं, जबर, जुल्म और ताकत का तुम्हारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रियासती निज़ाम में दिफा की जिम्मेदारी जिन लोगों के और जिन इदारों के सुपुर्द की गई है उनसे कहा जा रहा है कि तुम भी जवाब में ताकत का इस्तेमाल करो, लेकिन शर्त यह है कि ला तातदू, क़ुव्वत का इस्तेमाल वहाँ हो जहाँ नागुज़ीर है, इसके बग़ैर चारा नहीं, और उसी हद तक किया जाए जितनी उसकी ज़रूरत है। ये बहुत खूबसूरत हिदायत है जिसे पेश नज़र रखने से बहुत से इश्काल जो लोगों के जहनों में पाए जाते हैं वो यकीनन ख़त्म हो जाएंगे। ला तातदू, ज़्यादती मत करो, इस हद तक ताकत का इस्तेमाल करो जितना उसकी ज़रूरत है और जहाँ नागुज़ीर है उसके बग़ैर चारा नहीं वहाँ इस्तेमाल करो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात का इरशाद गिरामी है, ला ततमन्नौ लिक़ा अल अदुव, दुश्मन से आमना सामना होने की तमन्ना हरगिज़ मत करो। अल्लाह ताला से खैर तलब करते रहो और दुश्मन से आमना सामना होने की या दुश्मन से मुकाबले की तमन्ना और आरज़ू मत करो। बल्कि तुम अमन और इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहो। और अल्लाह ताला ने फरमाया इस आयत में कि ला तातदू, दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि ला तातदू, किसी पर ज़्यादती मत करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, क्योंकि अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता है। इस्लाम दुश्मन के साथ भी ज़्यादती से रोकता है, कुजा ये कि अपने मुसलमान भाइयों पर ज़्यादती की जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात जब लश्कर को रवाना करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लश्कर को हिदायत देते थे वो आज के इस आयत की रोशनी में हमारे लिए बहुत गौर तलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, उग़ज़ू बिस्मिल्लाह व फ़ी सबीलिल्लाह व क़ातिलू मन कफ़र बिल्लाह वला तग़लू। देखो, अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह की राह में निकलने के लिए आगाज़ करो, अल्लाह के नाम के साथ आगाज़ करो, और अल्लाह को जो तस्लीम नहीं करते उनके साथ तुम्हारा क़िताल और मुकाबला होगा, लेकिन ला तग़लू, क़िताल में हद से तजावुज़ न करो। ये जो एक मक़ूला है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसका रद्द किया है। इस्लाम का ये नारा नहीं है। इस्लाम ने तो जंग के भी उसूल मुतय्यन किए हैं और मोहब्बत की भी हुदूद और दायरे मुतय्यन किए हैं। ये हिदायत नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात कुरान करीम की इस आयत की रोशनी में दे रहे हैं कि ला तातदू, जंग के बावजूद तुमने ज़्यादती नहीं होने देनी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने फरमाया, इन तलक़ू बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, अपने एक्शन का आगाज़ अल्लाह ताला के नाम से करो और मिल्लत सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकरार रहते हुए करो, और ला तग़लू, माल गनीमत में ख़यानत न करना, व ज़म्मू गनाइमकुम, और माल गनीमत को जमा कर लेना, व अस्लिहू, और अपने हालात दुरुस्त रखना, अखलाकी और ज़हनी मोराल अपना बरकरार रखना, दुरुस्त रखना, और व अहसिनू, एहसान करना, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, इसलिए कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। दुश्मनों की खेतियाँ जलाना, उनके मवेशियों को मार डालना और उनके दरख्त वगैरह काटना, इससे भी नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने रोक दिया। यानी खेतियां बर्बाद करना और जानवर जो हैं मवेशी उनको मार डालना, ये ऐसा अमल है कि जिससे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात अपने लश्करों को रोक दिया करते थे। चूँकि इंसानी ज़रूरत खुराक के हवाले से और दूसरे हवालों से ऐसी है कि जो हमेशा बरकरार रहती है, तो इन चीज़ों को वीरान कर देना और उनको ख़त्म कर देना ये इंसान दुश्मनी है, और हमारा दीन इससे रोकता है। आप देखिए कि यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने ख़ास तौर पर इरशाद फरमाया कि ला तख्तुलू शेखन फ़ानियन, किसी बूढ़े बंदे को कत्ल नहीं करना है, वला तिफलन सगीरन, किसी छोटे बच्चे को कत्ल नहीं करना है, वलमरातन, और किसी औरत को कत्ल नहीं करना है। आज वो लोग जो मुल्क में मुसलमानों की आबादियों में और इंसानों की आबादियों में जो धमाके करके इंसानों को बिला इम्तियाज, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और बूढ़े भी हैं, मार डालने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं और मज़मूम हरकतें कर रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा करना चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने तो दुश्मन को भी ये गुंजाइश दी है कि दुश्मन के बूढ़ों को, उनके बच्चों को और उनकी औरतों को कत्ल न किया जाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उन लोगों को नापसंद करार दिया है जो हद से तजावुज़ करने वाले, हलाल और पाकीज़ा चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लिया जाए, ये भी हद से तजावुज़ है। अल्लाह की पाकीज़ा चीज़ें उनसे इस तरह से परहेज़ करना गोया कि वो नापाक हैं, और ये परहेज़ जिस्मानी आर्ज़े की बजाय रूहानियत की खातिर करना कि मैं अल्लाह ताला की हलाल करदा और पाकीज़ा चीज़ों को इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि ये अमल मेरा अल्लाह ताला के यहाँ क़ुर्बत हासिल करने का ज़रिया बनेगा। अल्लाह ताला ने इस बात से रोक दिया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला के इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहर्रिमू तय्यिबात मा अहल्लल्लाहु लकुम, उन पाकीज़ा चीज़ों को अपने ऊपर हराम मत करार दो जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। रूहानियत की खातिर और ज़िंदगी से ला ताल्लुकी के इजहार के लिए और दुनिया से ला ताल्लुकी के इजहार के लिए हलाल करदा चीज़ों को अपने ऊपर हराम करार दे लेना, ये यकीनन हद से तजावुज़ है। इसी तरह पाकीज़ा चीज़ों के इस्तेमाल में इसराफ, ये भी हद से तजावुज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, इसलिए कि इसराफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने कुरानी आयात की रोशनी में ये बात यकीनन महसूस की कि कौन कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। वो निज़ाम सियासत में गड़बड़ कर रहे हों, वो रियासती दिफा में हद से तजावुज़ करने वाले हों, वो इबादात में हद से तजावुज़ करने वाले हों, वो निज़ाम मईशत और मुआशरत में हद से तजावुज़ करने वाले हों। हद से जो भी तजावुज़ करेगा, यकीनन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो हमारी निगाह करम से महरूम हो जाता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इस पर के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेगमेंट है हमारा तालीम और तरबियत के हवाले से, जिसमें हम नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत के हवाले से बात करते हैं और हमारे स्कॉलर्स मुख्तलिफ और अहम मौज़ूआत पर हमारी रहनुमाई भी करते हैं। बच्चों की अगर बात की जाए जनाब, तो उन पर सबसे ज़्यादा एहसानात हमारे वालिदैन के होते हैं। बच्चा माँ बाप के जिस्म का एक हिस्सा होता है और माँ बाप बच्चे पर फितरी तौर पर शफकत और मोहब्बत भी करते हैं। वो उसे हर किस्म के ज़रर से महफूज रखने की कोशिश भी करते हैं। सारी ज़िंदगी खुद तकलीफ उठाते हैं लेकिन अपने बच्चे को तकलीफ नहीं पहुंचने देते। चुनाचा अल्लाह ताला उनकी इंतहाई तौकीर व ताज़ीम और उसने सलूक करने का हुक्म देता है। तो कुरान में फरमाया गया है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वो दोनों या उनमें से कोई एक बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाए तो उसको ना झिड़कना बल्कि उफ तक ना कहना। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी ताकतें और तवानाइयाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो बच्चों की तरह वालिदैन के भी कुछ हुकूक होते हैं जिनको पूरा करना औलाद पर फ़र्ज़ होता है। तो वालिदैन के कौन कौन से हुकूक हैं और औलाद को कैसे पूरा कर सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब हैं, जो मजहबी स्कॉलर हैं। प्रोफेसर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा वालिदैन के हुकूक होते क्या हैं और कौन कौन से हुकूक होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूक का तयन पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये तयन किसने किया और किसने किसको कितना हक दिया। हुकूक वो नहीं है जो मैं आपको या आप मुझे या वालदैन औलाद को, औलाद वालदैन को दे, बल्कि इनका दायरा कार अल्लाह ताला ने तय कर दिया है। ठीक है, अल्लाह ताला जो हम सबका खालिक व मालिक है, उसने हुकूक का एक दायरा भी मुतय्यन किया है और एक शख्स के जो हुकूक या एक कम्युनिटी के हुकूक दूसरों के फ़राइज़ की सूरत में है। यानी जब औलाद के हुकूक की बात करें तो वो दूसरी तरफ वालदैन के फ़राइज़ हैं। ऐसे ही चूंकि जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि हमारा फ़र्ज़ होता है दूसरे का हक, इस उस वक्त तक हम इसकी अदायगी में वो जो इंटेंसिटी है वो उसको फील हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब वालदैन के हुकूक आएंगे तो गोया औलाद के फ़राइज़ शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है। औलाद के फ़राइज़ क्या हैं? वो अल्लाह ताला ने, जिसका इशारा आपने अपने इंट्रो में कर दिया, फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किब्रा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये जो कंप्लीट पैकेज दिया है अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल के अंदर कि अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि इबादत सिर्फ उसी की होगी, ठीक है, और वालिदैन के साथ एहसान होगा। यानी औलाद अपना फर्ज अदा करते हुए सिर्फ हुकूक की अदायगी नहीं करेगी बल्कि हुकूक से बढ़कर, क्योंकि हक आप देते हैं तो इंसाफ कर रहे होते हैं, हक देते हुए एहसान करना है ताकि आप पर जैसे उन्होंने एहसान किया था उस एहसान को आप चुका तो नहीं सकते, कुछ ना कुछ उसकी रेमेडी या कुछ ना कुछ उसका एहसास वापस जाए। और वो क्या करना है कि जब तुम्हारे पास कब मिलता है ये हक उनको, या कब वालिदैन आपकी तरफ से हुकूक के मुंतज़िर होते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनके अपने कुवा आज़ा जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब वो खुद कमाने के लायक नहीं रहते, जब वो अपने आप को खुद उठाने के लायक नहीं रहते, और उसी तरह की कमज़ोरी और नातवानी उन पर भी आती है जैसी आप पर आपके बचपन में आई थी। सो अब आपकी जिम्मेदारी है कि वालिदैन मिल गए एक या दोनों, बुढ़ापे में तो आप उनकी खिदमत करेंगे एहसान के साथ, मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, और इस अंदाज से फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। ये दो इंतहाएं हैं, एक है उफ तक नहीं कहना। ये उफ जो है वो हम कोई उफ कहते थोड़ी हैं, बिल्कुल उफ असल में एक रवैया है, ठीक। उस रवैये में इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इतनी सी बात भी इस रवैये का हिस्सा है कि आपके चेहरे पर जो नागवारी के तासुरात हैं जो आप ये इस्टेब्लिश करते हैं वालिदैन के सामने या उनको शो करते हैं कि आपको उनकी बात नापसंद आई है। मसलन उसमें हम बच्चा जो है वो या नौजवान जो है वो क्या करता है, माँ या बाप ने कुछ कहा तो वो जोर से पाँव पटक देता है, वो जो है वो दरवाज़ा बंद कर देता है जोर से, या वो मजलिस तब्दील कर देता है गुस्से से। ये रवैया ये उफ है, फला तकुल्लहुमा उफ। जुबान से कहना तो बहुत बड़ी बात है, अपने रवैये से ये जाहिर करना कि आपको उनकी बात पसंद नहीं, आपको उनका फैसला पसंद नहीं, और आप अपने रवैये से इस तरह का एक इस्तेहज़ा उनका करते हैं, उनका तमस्खुर उड़ाते हैं, या उनकी तौहीन करने का सिलसिला शुरू करते हैं, तो इससे मना कर दिया। फिर एक इंतहा है वला तनहरहुमा, आपने उनको अल्फाज से इतना सख्त नहीं कहना, यानी अल्फाज कहने की इजाज़त नहीं है, रवैये से रुकना था। और अगर अल्फाज में आपकी झिड़क शामिल हो जाए, डांट शामिल हो जाए, जैसे हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं कि आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं, आपका जमाना गुजर चुका है, अब आपकी बात नहीं है। कोई भी ऐसा लफ्ज जिससे वालिदैन को आप ये बावर करवाएं कि वो जानते नहीं हैं या वो कम अकल हैं, कम दानिश हैं, और आप उन पर चढ़ाई करने की कोई कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने इससे मना कर दिया। पहला हक तो उनका ये है बुढ़ापे की सूरत, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा अगली जो बात शुरू हो रही है कि वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल व कुल लहुमा कौलन करीमा, जब भी बात करनी उनसे नरमी से करनी। वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और जब भी उनके सामने जाना है अपने आप को सबमिसिव बना के जाना है, आपने ताबेदार बन के, ताबे फरमान बन के, मुतीओ फरमा बरदार बन के जाना है। वो जो बात भी आपसे कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी की बात के सिवा, कुरान मजीद ने उनका हक बयान किया है, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अल्लाह का कुरान ये कहता है कि अगर वो तुम्हें शिर्क की दावत दें या शिर्क पर आमादा करें तो ये बात नहीं मानी जा सकती, ठीक है। ये माँ बाप का हक नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हक में जाके अगर वो दखल करेंगे तो फिर वहाँ उनकी बात नहीं मानी जाएगी। और इससे पीछे पीछे अल्लाह के हुकूक में मुदाखलत से पीछे पीछे वो तुमसे जो भी तकाजा करें तुम उनकी बात मानोगे। हत्ता कि अगर वालिदैन शिर्क पर आमादा करने वाले हैं, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद उनको शिर्क पर आमादा करने की कोशिश कर रहे थे, तो जैसे उन्होंने किया, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में उनके साथ अच्छा सलूक किया, लेकिन आप उनकी ये बात नहीं मानेंगे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया कि कहा कि आप मुझे पत्थर मार के यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन सलामुन अलैक, आप पर सलामती हो, सास्तगफिरुल्लाह का रब्बी, मैं अपने रब से फिर भी आपके लिए बख्शिश चाहता रहूंगा अगर चाहे आप मुझे पत्थर मार के यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो ये जो रवैया है वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये हक इस पर मुफस्सिरीन ने कहा कि एक तो दुनिया में भी उनके साथ नरमी करना है, लेकिन इसका खास ये जो दुआ है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये उनका वो हक है जो उनके जाने के बाद आपको मुसलसल अदा करना है, क्योंकि आप अपने वालिदैन के लिए अल्लाह से ये दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह जैसे उन्होंने मेरी तरबियत की, जैसे मुझे पाला, जैसे मुझे बर्दाश्त किया, जैसे मुझ पर शफकतें लुटाई बचपन में, ऐसे ही आप उन पर अपनी रहमत की जो है वो बहार बरसा दें, आप अपनी रहमत की बारिश बरसा दें मेरे वालिदैन पे, जैसे उन्होंने मेरे साथ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोफेसर साहब कि बहुत से ऐसी औलाद भी हमें नजर आती है जो नाफरमानी भी कर रही होती हैं। तो नाफरमान औलाद के हवाले से अल्लाह ताला ने क्या कुरान मजीद में जो है इरशाद फरमाया? देखिए, वो शख्स जो रसूलुल्लाह ने मुख्तलिफ अहादीस से इसकी वजाहत होती है जो नाफरमानी के हवाले से, एक बात तो एक हदीस है और ये हदीस का मुख्तलिफ मजमुआ यानी एक ही अल्फाज से मुख्तलिफ अहादीस हैं। रसूलुल्लाह ने उसमें इरशाद फरमाया कि सलासतुन, तीन बंदे ऐसे हैं, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, जिनसे अल्लाह कलाम नहीं करेगा क़ियामत के, उनसे बात ही नहीं करेगा, ठीक है, वला यंजुर अलैहिम, बात तो करना दूर रहा, उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, और जिसकी तरफ अल्लाह नजर रहमत से ना देखे वो मारा गया, ठीक। तीसरी बात फरमाई वला युज़क्कीहिम, अल्लाह इनका हिसाब भी नहीं लेगा, यानी ये बगैर हिसाब के ही जहन्नुम रसीद कर दिए जाएंगे। ये कौन लोग हैं? उसमें सबसे पहली जो बात आपने फरमाई अल्आक़ु लिवालिदैन, वालदैन का नाफरमान, वालदैन का नाफरमान, उससे अल्लाह कलाम नहीं करेगा, उससे अल्लाह बात नहीं करेगा, देखेगा नहीं और उसका हिसाब नहीं लेगा, ये वालदैन का नाफरमान है। इसी तरह अगर वालदैन का नाफरमान है तो अल्लाह ताला इसकी दुआएं नहीं सुनता, क्योंकि ये बुनियादी हक है इस पर अपने माँ बाप का, माँ बाप के साथ शफकत से पेश आने का, मोहब्बत से पेश आने का। ये ऐसा नाफरमान है, अल्लाह तो नहीं सुनता, अल्लाह ताला इसकी दुआ भी नहीं सुनता। उसके बाद फिर इसके बाद एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब ये वालदैन का नाफरमान होता है तो अल्लाह ताला की रहमत से ऐसा दूर होता है, रहमत से क्या बल्कि अल्लाह की तरफ से लानत बरसती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में ये बात इरशाद फरमाई, अपने मिंबर पे चढ़ते हुए 3 दफ़ा आमीन 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 कहा, तो आपसे पूछा गया कि आपने आज मुख्तलिफ तरीके से आमीन आमीन कहा, इसकी क्या वजह है? तो आपने फरमाया जिब्रील मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा जिसको रमज़ान मिले और वो रमज़ान से फ़ायदा उठाकर अपनी बख्शिश का सामान न कर सके उस पर अल्लाह की लानत, हम फरिश्तों की लानत, और मैंने आमीन कह के कहा कि मेरी भी लानत, जिसको जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दरूद ना भेजे उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, और मैंने आमीन करके कहा कि मेरी तरफ से भी लानत हो। तीसरा शख्स वो है जिसको वालिदैन मिले हों बुढ़ापे में और एक या दोनों, और वो उनकी खिदमत करके अल्लाह से जन्नत का हकदार न हुआ, इस आदमी पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहकर अपनी तरफ से भी लानत डाल दी कि हमारी भी उस शख्स पर लानत जो अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत का हकदार नहीं करा पाया। सो ये वालिदैन का नाफरमान इतना ये खौफनाक रवैया है। आप देखिए फिर इससे रहमत का, जिस पर लानत बरसती है उससे अल्लाह की सारी रहमतें रूठ जाती हैं, उससे बरकतें रूठ जाती हैं, उससे आसानियां रूठ जाती हैं, वो ऐसी उलझनों में गिरफ्तार होता है, ऐसी मुश्किलात में गिरफ्तार होता है। एक वाकया मिलता है हदीस में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि एक शख्स आपका सहाबी जो है उसकी जान नहीं निकल रही और वो बड़ी तंगी में है, बड़ी परेशानी में है, तो आप तशरीफ़ लाए और आपने आके उससे पूछा, उससे कुछ बातें पूछी, तो आपने फरमाया कि इसके वालिदैन जिंदा है, कहा गया कि इसकी वालदा है, तो कहा इसकी वालदा को बुलाओ। पता चला कि ये आपस में माँ बेटा जो है वो नाराज़ हैं, तो माँ को कहा गया कि वो तशरीफ़ लाए, उसको माफ़ कर दे, तो माँ ने वो सताई हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको माफ़ नहीं करती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, पूछा 1-2 दफ़ा उनको आमादा करने की कोशिश की, जब वो नहीं मानी, वो सहाबिया खातून नहीं मानी अपने बेटे को माफ़ करने के लिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, कहा कि लकड़ियाँ जमा करो और आग जलाओ, और आग जब जल जाए तो इसको अंदर रख दो। तो जब ये बात माँ के सामने कही गई तो वो तड़प उठी और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा ना करें, मैं इसको माफ़ कर देती हूँ। तो आपने फरमाया अगर आप इसको माफ़ ना करती तो ये जो दुनिया का अजाब आपके सामने था ये तो कुछ भी नहीं था, जो आखिरत में इसको अजाब मिलना था आपकी नाफरमानी की वजह से और आपकी नाराज़गी की वजह से, वो तो बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए वालिदैन का जो मामला है वो तो बड़ा, आप क्यों फरमाया हुमा नारुक व हुमा जन्नत, ये दोनों वालिदैन दोनों। हमारे यहाँ एक बड़ी परेशानी वाली बात है और हमारी तरबियत हमारी तरफ से होना चाहिए कि माँ बाप जहाँ भी जिक्र हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान ने या हदीस में दोनों का जिक्र आया, दोनों का जिक्र आया, वालिदैन कहा, वालिदैन के साथ एहसान करना है, बिल्कुल, और उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, मोहब्बत में, शफकत में, नरमी में, मुलातफत में और ख्याल रखने में माँ का हक ज्यादा इसलिए है कि वो ज्यादा कमजोर है, वो ज्यादा जज्बाती है, वो उसको ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, उसका हक बाप से 3 गुना बढ़ा दिया है, लेकिन इसका हरगिज़ हक ये मतलब नहीं है कि बाप को घर से निकाला जा सकता है और माँ के साथ ये करना। तो इसमें जो रवैया इख्तियार करना है, जो अल्लाह ताला ने हमें इस पर आमादा किया है कि आप ऐसा रवैया इख्तियार करें वालदैन के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, जो उनको किसी सूरत भी कोई तकलीफ ना आने पाए। ये है असल तकाजा या जिम्मेदारी। चूँकि हमारे यहाँ इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता और उनके जज्बात के साथ जो हम खेलते हैं और उनके जो मिजाज के उनकी हम आप अगर अरब को देखें तो वो अपने वालदैन का हाथ पकड़ते हैं, उस पर बोसा देते हैं, वो अपने वालदैन की पेशानी पे बोसा देते हैं। आज भी उनके अंदर ये रिवाज पाया जाता है कि वो अपने वालदैन के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते हैं, वो अपने वालदैन की खिदमत को खुद अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। हमारे यहाँ जो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम ने हमारे घरों को तबाह बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि हमने उसमें जो दायराकार था उसको हमने उस तरह से दीन की तरह से कबूल नहीं किया। अगर हम उसका कोई एक मखसूस हिस्सा ले लेते कि वालदैन की खिदमत भी करते हैं और अपनी बीवियों के साथ भी अलग से उनकी ज़िंदगी प्राइवेसी उनकी मौजूद होती, तो कभी ये क्लैश ना होता। यहाँ क्लैश इतना होता है कि वो बीवी की खिदमत करते करते फिर माँ बाप का नाफरमान और दुश्मन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, और आपने भी बहुत से केसेस ऐसे देखे होंगे प्रोफेसर साहब के, फिर माँ बाप जैसे ही बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो उन्हें फाउंटेन हाउस में पहुंचा दिया जाता है और औलाद ही उन्हें वहाँ पर छोड़ के आती है। तो इस तरह तकलीफ का आलम क्या होगा उस वक्त? बेशक वो उन्होंने 4, 5, 6, 8, 10 बच्चों को पाला और आज वो 4, 6, 8, 10 मिलकर उनको पाल नहीं सकते, उनकी खिदमत नहीं कर सकते। तो दीन ने हमें ये कहा कि हुमा नारुक व हुमा जन्नत, ये तुम्हारे लिए दोजख भी है और जन्नत भी है। मतलब जो माँ बाप का नाफरमान है वो जन्नत में भी नहीं दाखिल हो सकता। कैसे दाखिल हो सकता है? वालदैन का नाफरमान जो है वो इतना बड़ा मुजरिम है, यहाँ जहाँ भी कबीरा जराइम का जिक्र हुआ या जहाँ भी आपने फरमाया कि इन 7 बड़े गुनाहों से बच जाओ, उसमें वालदैन की नाफरमानी शामिल है। वालदैन की नाफरमानी जैसे कत्ल का जिक्र किया, जैसे शिर्क का जिक्र किया, जैसे जिना का जिक्र किया, जैसे सेहर जादू का जिक्र किया, वहीं पर वालदैन की नाफरमानी का जिक्र भी बड़े बड़े जराइम में किया। ये छोटा जुर्म नहीं है, क्योंकि इससे आपकी मुआशरत तबाह होती है, आप आने वाली नस्लों के लिए। और फिर याद रखिए ये मुकाफात अमल है, ये दुनिया मुकाफात अमल की दुनिया, आप जो देते हैं आपको वापस मिलेगा। आप अपने वालदैन के साथ नाफरमानी, तलखी, उनके साथ एक बुरा रवैया अख्तियार करते हैं तो याद रखिए आपके बच्चे आपको देख रहे हैं और आपके साथ भी वही कुछ होने वाला है जो आप अपने वालदैन के साथ कर रहे हैं। ये एक ऑटोमेटिक निज़ाम है अल्लाह ताला का। वालदैन का हक तो इस कदर ज़्यादा है और औलाद पर तो ये जिम्मेदारी है कि उनके जाने के बाद भी किसी शख्स के आमाल में कोई चीज़ हम बाद में जब वो फौत होता है तो हम कुछ भी उसके आमाल में दाखिल नहीं कर सकते। हदीस ये कहती है कि इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने वाले को उसके पीछे भेजी जा सकती हैं या जाती हैं। उसमें पहली सदकातिन जारिया, जो वो खुद अपने हाथ से कोई काम कर गया, और इल्मिन युंतफा बिही, या ऐसा इल्म जो अपने पीछे छोड़ गया तहरीर तकरीर की सूरत में, किताब की सूरत में, कि लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, नफ़ा पाते हैं, तो अल्लाह ताला उसके उस मरने वाले के अमाल नामे में नेकियां जमा करता रहता है। जैसे हदीस लिखने वाले, जैसे बड़ी बड़ी अच्छी कुतुब लिखने वाले, रहनुमाई करने वाले, तकरीर करने वाले, वो लोग, वो स्कॉलर्स दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनकी गुफ्तगू सुन के अपना रास्ता सीधा करते हैं। तो उनको फ़ायदा होगा। और तीसरा फरमाया औ वालदिन सालिह यदुलहु, नेक औलाद जो अपने वालदैन के लिए दुआ करती है। नेक औलाद जब अपने वालदैन के लिए दुआ करती है तो एक तरफ तो दुआ की सूरत में उनको फ़ायदा पहुँच रहा होता है, अल्लाह उनके अजाबात को, परेशानियों को टाल देता है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर देता है। और दूसरी तरफ ये होता है कि खुद उन बच्चों की दुआएं वालदैन के नामा अमाल में नेकी की सूरत लिखी जाती है। यानी औलाद के नेक अमाल वालदैन के लिए नेक अमाल बन जाते हैं जब वो नेक अमाल करने वाले हों पीछे। तो इसलिए औलाद को तो बहुत ही उस पर जिम्मेदारी है अपने वालदैन की, और जब तक वो मौजूद हैं, जब तक वो जिंदा हैं, जब तक वो सेहत में है, वो अपनी देखें आप, कोई शख्स किसी दूसरे आदमी की तरफ से हाज उमरा नहीं कर सकता, लेकिन औलाद कर सकती है। औलाद अपने वालदैन की तरफ से हाज कर सकती है, उमरा कर सकती है, उनकी तरफ से सदका कर सकती है। तो इसका मतलब है कि वालदैन का हक बहुत ज्यादा रखा दीन है। बेशक ऐसी है, लेकिन यहाँ पे फिर एक स्पेसिफिकली ये पूछना चाहूँगी प्रोफेसर साहब कि फिर किस उम्र में जाके वालिदैन की हमें ज़्यादा केयर करनी चाहिए, जिसमें हमें हम पे एक कह लें कि फ़र्ज़ हो जाता है कि अब हमने इनकी ज़्यादा उस तरह केयर करनी है। देखिए इसकी आदत तो आप बचपन में डालेंगे, जब आप बच्चे को, जब वो शऊर की उम्र में, सिने शऊर को पहुँचता है, 8-10 साल का होता है, तो अगर आप उसको अदब नहीं सिखाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि किसी बाप का अपनी बेटी को या अपने बेटे को जो सबसे बेहतरीन तोहफा है वो अदब है, क्योंकि वो अदब की वजह से ही उसके साथ मोहब्बत और शफकत करेगा। तो पहले तो जिम्मेदारी वालिदैन को अदा करना है कि वो अपने बच्चों के अंदर ये हसासियत पैदा करें कि वो उनका एहतराम करें, अदब करें। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है और वालिदैन जैसे ही बड़े होने से मुराद ये नहीं है कि जब वो 50 साल का होगा और बाप 70 साल का होगा फिर उसकी खिदमत करेगा, जैसे ही वो खिदमत करने की उम्र में पहुंचा, अच्छा, जैसे ही वो 15-16 साल का एक तवाना नौजवान बनता है तो उसका जाहिर है जो 15-16 साल का नौजवान है उसका बाप जो है वो 40 से 45 साल की उम्र में चला जाएगा। अब वो बाप की खिदमत करे, बाप खुद काम कर सकता है, वो खुद उठ के पानी पी सकता है, वो खुद अपना खाना ला सकता है, वो खुद अपने जूते साफ कर सकता है, वो खुद अपने कपड़े इस्त्री कर सकता है, लेकिन अगर बेटा शुरू कर दे तो ये है वो एहसास जिससे बाप कई साल और जवानी उसकी बढ़ जाएगी, उसकी कैफियत, उसकी सेहत बढ़ जाएगी, उसके अंदर जो सरशारी आएगी अपनी औलाद की वजह से वो सेहत की सूरत में, तमानियत की सूरत में और बढ़ जाएगी। तो ये जैसे ही शऊर में पहुंचे इस पर जिम्मेदारी अपने वालिदैन की खिदमत करें। बेशक ऐसे ही है कि आप अपने वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, और ख़ास तौर पर हमें बताया गया है, शादी बारी ताला में भी कहा गया है कि उसको उफ ना कहो अपने वालिदैन को। दूसरा, मैं यहाँ पर जाते जाते प्रोफेसर साहब ये पूछना चाहूँगी, गुनाहों की बख्शिश के हवाले से कहा जाता है कि अपने वालिदैन से जो है आप दुआ करवाएं, तो उस हवाले से भी हमें बताइएगा। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अगर किसी ने मसला पूछा, किसी ने आके कहा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, गुनाह हो गया, तो आपने भी उससे कहा कि हल्ला का उम्मुक, क्या तेरे पास तेरी माँ है? तो अगर कोई सहाबी कहता मेरी माँ है तो आप कहते कि जाओ उससे दुआ कराओ, जाओ उसकी खिदमत करो। हत्ता कि यहाँ तक कि लोग आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मैं जिहाद करना चाहता हूँ, तो आपने पूछा कि तेरी माँ है? तो उन्होंने कहा हाँ माँ तो है, तो कहा जाओ उसकी खिदमत करो, यही जिहाद है तुम्हारा। आप माँ बाप की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं इस बात से। फिर अगर उनके लिए जो मतलब उस वक्त औलाद जो है उनसे जाके दुआ करवाए अपने गुनाहों की बख्श। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा हुआ कि सहाबा के पास मुख्तलिफ लोग मसाइल पूछने आते, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात है कि उनके पास एक आदमी आया और उन्होंने कहा कि मैंने एक कबीरा गुनाह कर लिया है, एक बड़ा जुर्म कर लिया है। और जाहिर है कबीरा गुनाह जो 7-8 बड़े गुनाह हैं उन्हीं में से कोई एक था। हाँ जी। या और ज्यादा इम्कान यही होता है कि आदमी कोई बेहयाई, फहाशी का, कोई बुराई का काम कर बैठा है। तो जाहिर नहीं किया कि कौन सा, लेकिन कहा कि मैंने कबीरा जुर्म किया, हल ली तौबा, मेरे लिए कोई तौबा है। तो हजरत अब्दुल्ला उससे पूछते हैं कि तेरी वालदा है? उसने कहा जी माँ है। तो कहा जाओ उससे जाके कहो, उससे जाके उसकी खिदमत करो और उससे कहो तुम्हारे लिए दुआ करे, अल्लाह तुम्हारे कबीरा गुनाह को माफ कर दे। एक दूसरी रिवायत में मिलता है, एक दूसरे सहाबी से पूछा इसी तरह के मैंने एक बड़ा जुर्म कर लिया, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी माँ है? उन्होंने कहा नहीं माँ तो नहीं है। तो कहा माँ की बहन यानी तुम्हारी खाला है? ठीक है। कहने लगा हाँ खाला है। तो कहा जाओ उसकी खिदमत करो और उसके साथ अच्छा सलूक करो और वो तुम्हारे लिए दुआ करेगी, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। इससे अंदाजा लगाइए कि माँ तो माँ रही, माँ की बहन कितनी अहम है दुआओं गुनाहों की बख्शिश के लिए, और माँ के रिश्तेदार कितने अहम हैं गुनाहों की बख्शिश के लिए, या बूढ़े और हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी कितने अहम हैं, हमें इस पर गौर करना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और वालिदैन के हकूक़ के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या क्या उनके हकूक़ हैं और औलाद पर क्या फ़र्ज़ है कि उन्होंने किस तरह उन हकूक़ का बदला चुकाना है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इस पर के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और माह सयाम है, नेकियों की बहार का मौसम चल रहा है, हर कोई नेकियां कमाने में इस वक्त मसरूफ़ है, और इसी तरह हमने भी एक छोटी सी काविश की है ताकि हम भी अपना हिस्सा इसमें डाल सकें। तो जनाब, आज की नेकी की बात करें तो अक्सर हम लोग जब बाहर कहीं जा रहे होते हैं, सड़क पर मौजूद होते हैं, बाजार या शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो कहीं पर भी हमें सफ़र के दौरान ये देखने को मिलता है कि रास्ते में कोई ऐसी रुकावट या पत्थर, फिर कोई ऐसी चीज़ पड़ी होती है जो कि किसी दूसरे आने वाले के लिए परेशानी का सबब भी बन सकती है। तो जनाब, हमें चाहिए कि उस रुकावट को दूर कर दिया जाए, क्योंकि अब वो हमारे रास्ते में तो आ गई है, वो रुकावट हमें पता चल गया है उस रुकावट का, लेकिन हम वो किसी और के रास्ते की रुकावट ना बने, तो इसलिए हमें उसको दूर कर देना चाहिए ताकि कोई और वहाँ से जब गुजरे तो वो उस रुकावट का या उस मसले का शिकार ना हो। तो जनाब इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनका हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है, और हमारा अकीदा भी यही है कि हमारे रब का हमसे ये वादा भी है कि दूसरों के लिए अगर हम आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे रास्ते और हमारी मंजिलों की सारी रुकावटें अपनी रहमत और बरकत से दूर भी फरमा देगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनके हम तो ये समझते हैं कि शायद हमारी नज़र में इसकी कोई वक़्त नहीं है या इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी हमारी नेकी कब काम आ जाए और अल्लाह को बहुत पसंद आ जाए। तो इसलिए ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी नेकियां जनाब हम रोज़ाना आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे ताकि आप भी वो नेकी करें और हम भी वो नेकी करके अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो अपनी नेकी पहुंचा सकें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा अजर और सवाब पा सकें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब और सेगमेंट है हमारा आज की किताब, जिसमें हम आपका तारुफ मकबूल और अहम किताबों से करवाते हैं। तो माह सयाम जारी और सारी है, तो ये अल्लाह सुबहाना ताला का एहसान अजीम है कि उसने कुरान पाक के साथ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के गोशे गोशे को हम तक पहुंचाने का इंतजाम किया, और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दुनिया की तकरीबन 100 ज़बानों में लाखों जिल्दों पर मुश्तमिल कुतब मौजूद हैं। और आज सीरत नबी की एक ऐसी ही किताब से हमारा तारुफ करवाने जा रहे हैं। प्रोफेसर हाफिज गजनफर असीस साहब हैं, तो चलिए उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपसे एक बहुत अहम और बड़ी ख़ूबसूरत किताब का तारुफ करवाने जा रहे हैं। इस किताब का जो बेसिक मौजू है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है। हमारा जो अंग्रेज़ी दान तबका है उसके लिए भी ये बड़ी मुफीद किताब है, और जो उर्दू पढ़ने वाले हजरात हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। किताब का नाम है मोहम्मद हिज लाइफ बेस्ड ऑन अर्लीस्ट सोर्सेस। ये एक ब्रिटिश शख्सियत जिनका नाम शुरू में मार्टिन लिंग्स था, बाद में वो मशहूर हो गए अबू बकर सिराजुद्दीन के नाम से। गुज़श्ता सदी उनकी सदी कहलाती है इस एतबार से कि वो 1909 में पैदा हुए, और इस 21वीं सदी के शुरू में 2005 में उनका इंतकाल हुआ। ये किताब हमारे लिए इस वजह से अहम है कि हम मुसलमान होने की हैसियत से अपना जो दीनी और मजहबी तारुफ़ करवाते हैं उसका एक हिस्सा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपका तारुफ़। आपकी ज़िंदगी के जितने भी मराहिल हैं, चाहे वो नबूवत से पहले के हों या नबूवत से बाद के हों, उन तमाम मराहिल को बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में इस किताब के अंदर समोने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि ये किताब चलते चलते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और नबूवत के बाद जो अहम वाक़यात पेश आए उन सब को भी अपने अंदर ले लेती है। आखिर में हिजरत और हिजरत के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जहादी और ग़ज़वात की ज़िंदगी है उसको कवर करते हुए ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल तक की सारी ज़िंदगी के हालात को कवर करती है। एज़ अ मुस्लिम मुझे जहाँ ये जानना है कि मैं मुसलमान हूँ, वहाँ मुझे ये जानना भी ज़रूरी है कि मेरे लिए दुनिया में आइडियल कौन है और अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतरीन नमूना की शख्सियत को करार दिया है। ज़ाहिर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इस पर्सपेक्टिव से और इस नुक्ते नज़र से पढ़ना और इसको स्टडी करना ये मेरी दीनी ज़रूरत भी है, और दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी का सामान भी। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपनी ज़िंदगियों में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताले को जगह दे सके। और जनाब सेगमेंट है अब हमारा क़ससुल अंबिया, जिसमें हम तारीख़ इस्लाम के अहम वाक़यात का जिक्र करते हैं। आज मोहब्बत और इश्क की एक ऐसी लाजवाल दास्तान सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को जिसने लफ्ज़ इश्क को एक नई तारीफ दी। हज़रत बिलाल रज़ी तआला अन्हा से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा, तो बिलाल रज़ी तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था क्योंकि मैं गुलाम था और अरब में गुलामों से इंसानियत सोज सलूक आम था और उनकी इस्तात से बढ़कर कि उनसे काम लिया जाया करता था, तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिला था कि मैं बाहर निकल के लोगों से मिलूं। तो लिहाजा मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम या फिर उस तरह की किसी चीज़ का कतई इल्म नहीं था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया और सख्त जाड़े का मौसम भी था। इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। मैंने लिहाफ ओढ़ा और मैं लेट गया। उधर मेरा मालिक जो ये देखने पहुंचा कि मैं जौ पीस रहा हूं या नहीं पीस रहा, वो मुझे लिहाफ ओढ़ के लेटा देख के आग बगोला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सजा के तौर पर मेरी कमीज भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठकर जौ पीसो। अब इस सख्त सर्दी, ऊपर से मुझे बुखार भी है और इतनी मुशक्कत वाला काम, मैं रोता चला गया और जौ भी पीसता चला गया। कुछ ही देर में दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक नहायत ही मुतमईन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल होता है और पूछा है कि जवान क्यों रोते हो। जवाब में मैंने कहा, जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रोऊं, यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। तो किस्सा मुख्तसरन के बिलाल ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी सख्त जुमले कहे, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुनकर चल पड़े। जब चल पड़े तो हज़रत बिलाल ने कहा, बस मैंने कहा था ना कि पूछते सभी हैं, मदावा कोई नहीं करता। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला सुनकर भी चलते रहे। तो बिलाल कहते हैं कि मेरे दिल में जो हल्की से एक उम्मीद जागी थी ना कि शायद ये शख्स मेरी मदद कर सकता है, लेकिन वो भी चली गई उम्मीद। लेकिन बिलाल को क्या मालूम था कि जिस शख्स से अब उसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल आलमीन है। हज़रत बिलाल रज़ी तआला अन्हु कहते हैं कि कुछ ही देर बाद वो शख्स वापस लौट आया, मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। उनके हाथ में गरम दूध का प्याला था और दूसरे हाथ में खजूरें थी। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा, खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा, तो ये जौ कौन पीसेगा, तो अगर ना पीसा गया तो सुबह मेरा मालिक जो है मुझे बहुत मारेगा, बहुत डांटेगा। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम सो जाओ, तुम जाकर सो जाओ, मैं जो पीसूंगा और ये जो सुबह तुम मेरे से ले लेना। तो बिलाल कहते हैं कि मैं सो गया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए वो चक्की पीसी। तो सुबह बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और वहाँ से रवाना हो गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ, तो दूध और दवा हज़रत बिलाल को दी और सारी रात उन्होंने दोबारा से जौ पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे जब तक हज़रत बिलाल ठीक नहीं हो गए थे। तो जनाब ये था वो तारुफ जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल को सहाबी रसूल बाद में आशिक रसूल पहले कहा जाता है। और इश्क की इस लाजवाल दास्तान का बाकी जो हिस्सा इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ पेश करूंगी। आज के लिए बस इतना ही।